ये क्वेश्चन लॉगरिथम्स पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है एंड डेफिनेटली कैटेगरी ए क्वेश्चन ही कहलाएगा। एक्स एंड वाई पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 12 टू द बेस एक्स की वैल्यू 4 गिवन है एंड 3 टाइम्स लॉग एक्स टू द बेस वाई की वैल्यू हमें 1 गिवन है। एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमसे पूछी गई है। लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 12 टू द बेस एक्स हमें 4 गिवन है, तो प्रॉपर्टी ऑफ लॉग अगर हम अप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 12 किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4 के। इन दोनों टर्म्स को हम राइट साइड ले जाएंगे, एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म के हम दो फैक्टर्स कर सकते हैं, माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहां पर एक्स स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दो पॉसिबिलिटीज हैं यहां पर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस 3, बट बिकॉज एक्स एंड वाई पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं ये पॉसिबल। यहां पर भी हमें x की दो वैल्यू मिलेगी, प्लस 2 और माइनस 2, बट माइनस 2 को हम रिजेक्ट कर देंगे। लॉग की एक बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है जो ये कहती है कि जो नंबर आप बेस में ले रहे हैं वो 0 नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता और 1 नहीं हो सकता। देयरफॉर x की वैल्यू माइनस 2 हम रिजेक्ट कर देंगे, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, प्लस 2। नाउ अब हमें निकालनी है वैल्यू किसकी, y की। सो 3 टाइम्स log x to the base y is equal to 1, 3 को हम डिनोमिनेटर पे ले जाते हैं राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा 1/3। अगेन log की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, x is equal to y raised to the power 1/3, दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो x क्यूब is equal to y, x की वैल्यू 2 यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो 2 raised to the power 3 8 होता है, y की वैल्यू 8 हो जाएगी। हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू आ चुकी है, x प्लस वाई पूछा गया है, 2 प्लस 8 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 10, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। हम यहां पर एक काम और कर सकते थे अगर चाहें तो, इस जगह पर हम थोड़ा हिट एंड ट्रायल भी यहां पे कर सकते थे कि 2 रेज टू द पावर 4 16 होता है, 2 रेज टू द पावर 2 4 प्लस 12 16 होता है, तो x की वैल्यू 2 हम यहां से निकाल लेते और फिर इमीडिएटली y में यहां सब्स्टिट्यूट करते। लेकिन कई बार क्या होता है, एग्जामिनर जो वैल्यूज आपको देते हैं वो स्क्वायर रूट में देते हैं, तो ये मेथड जो है ये कई बार काम करता है और कई बार काम नहीं करता।